आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। कल हमारे यहाँ गेस्ट आए थे तो मैंने चावल बनाए थे, उसमें से काफ़ी चावल बच गए हैं। इसी तरह से हमारे सभी के घर में अक्सर चावल बच जाते हैं। इन्हीं चावलों से आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ जिसको आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं बचे हुए चावल। चावलों को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो मिक्सर में थोड़ा सा इसको एक आधा गेड़ा लगवा सकते हैं ताकि जो थोड़ा सा पेस्ट बन जाए और थोड़े से इसी तरह से रहें। चावलों में पानी ना डालें। देखिए जो मैश हो गए हैं। अगर आपने टैटो मैशर के साथ नहीं करना तो आप हाथ के साथ इसको मैश कर सकते हैं। देखिए थोड़े से जो मैश हो गए हैं, थोड़े से साबुत रह गए हैं। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डालूंगी क्योंकि अभी गाजर का सीजन चल रहा है तो मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। यहाँ मैं दो उबले हुए आलू डाल रही हूँ। आप इनमें से कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ हरे मटर लिए हैं, मैंने इनको थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। अभी हम हाथों से इसको थोड़ा सा मैश करके इस तरह से डालेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि गाजर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, जो गाजर का रस होता है, नहीं तो जो हमारा बैटर है वो बहुत पतला हो जाएगा। एक छोटा प्याज डाल रही हूँ इसमें। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैं यहाँ और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि मैंने चावलों में भी थोड़ा सा नमक डाल रखा है तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। एक चम्मच यहाँ मैं मिर्च का डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच, क्योंकि मैंने चावलों में जीरा डाल रखा है तो मैं यहाँ जीरा नहीं डाल रही। अगर आपके चावल प्लेन है तो आप जीरा डाल सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि हमने चाट मसाला डालना है तो नमक आप उसी हिसाब से रखें, नहीं तो आपका नमक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी नमक होता है। अभी मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। यहाँ मैं दो चम्मच बेसन डाल रही हूँ, जे वाले चम्मच, ताकि जो अच्छे से बाइंड हो जाए और इसमें क्रिस्प आए। तो हम बेसन डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप इसमें कॉर्न फ्लोर डाल सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देखिए हमने इसमें पानी नहीं डालना है। देखिए सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपका बैटर आपको पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से। अभी चम्मच के साथ थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में, जैसे रोटी बनाते हैं पेड़ा लेते हैं उस तरह से हमने करना है। इसको थोड़ा सा दबा देना है। देखिए इसको एक टिक्की की शेप दे देनी है। तो आप समझ गए होंगे मैं बना रही हूँ राइस टिक्की चाट, या आलू टिक्की चाट से भी टेस्टी बनती है। चलिए मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। अभी मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि हमने टिक्की को बहुत पतला नहीं करना। ब्रेड क्रम लेंगे, उसमें इसको इस तरह से रोल कर देंगे। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत आसान है। ब्रेड स्लाइस लीजिए, उसको मिक्सर में पीस लीजिए, ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सभी टिक्कियों को रोल करके रख लेंगे। इसमें ब्रेड क्रम से जो टिक्की का क्रिस्प है जो काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं अगर आप नहीं ब्रेड क्रम्स यूज़ करना चाहते, पर इससे क्रिस्पी हो जाती है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। सभी टिक्कियों को मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। यहाँ मैंने पैन लिया है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो हमने गैस को लो कर देना है। हमने लो फ्लेम पर इनको पकाना है। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज हो गया है, आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अभी धीरे से करनी है ताकि ये खुल ना जाए। दूसरी साइड से भी हम इसको क्रिस्पी होने देंगे। टिक्की हमारी बन चुकी है, दोनों तरफ से बहुत क्रिस्पी हो चुकी है। अभी हम इनकी बहुत ही टेस्टी चाट बनाएंगे। ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। देखिए चाहें तो इसको इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, इसी तरह से खा सकते हैं, पर मैं इसकी चाट बना रही हूँ अभी। आप जितनी टिक्कियों की चाट बनाना चाहते हैं उतनी टिक्कियाँ आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने दही लिया है, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है।
अभी हम इस पे थोड़ा सा दही डालेंगे। अगर आप इसमें मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ होममेड, आप जितना तीखा खाना चाहें उतना डाल लें। इसमें मिर्च काफ़ी डाली है तो ये बहुत तीखी है, लेकिन चटनी डाल रही हूँ ताकि चटपटा लगे, अच्छी लगे ये। देखिए अभी मैं इसमें सेब डाल रही हूँ, देखिए जो हम घर पे खाते हैं जिसको हम भजिया भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, या फिर कोई और नमकीन हो आपके घर में वो डाल सकते हैं। चाट मसाले के बिना चाट अधूरी है, बिल्कुल स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।